हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इज़ ब्रिंगिंग अप कारी फ्रॉम एन एलियन हैंड लास्ट हमने पढ़ा था कि आई फेल्ट आई फेल्ट लेसो अराउंड माई नेक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे गर्दन की तरफ कुछ डाल दिया गया मेरे गले में कोई फंदा फंस गया हो दिस फ्राइटेंड मी और इस इस चीज़ ने मुझे बहुत डरा दिया था आई थॉट वाटर एनिमल गोइंग टू स्वेलो मी मुझे ऐसा लग रहा था मैं ऐसा सोच रहा था कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल लेगा आई हर्ड कारी स्कूलिंग इतना में मुझे क्या आवाज़ आई कारी के तेजी से चिल्लाने की आवाज़ आई एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक पता तो था कि जो मेरे गर्दन के चारों तरफ है वो कारी की ट्रंक है सोन है ही पुल्ड अस बोथ अशोर और वो हमें दोनों को खींच कर पानी के किनारे तक ले आए सो मूविंग अ हेड दिस इज योर सेकेंड पार्ट इन दिस चैप्टर कार बिकम्स वॉन्ड ऑफ फ्राइफ बनानाज आगे हम पढ़ेंगे जो कारी है वो क्या हो चुका है बनानास का बहुत पके हुए बनाना का आदि हो चुका है उसे बहुत पसंद है खाना ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प उसे क्या पसंद था कि खुद की मदद खुद करना मस्ट टू द डिस्कर्ट ऑफ हिज फ्रेंड और क्या फील करता था वो डिसकम्फर्ट फील करता था अपने दोस्त के साथ ज़्यादा विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट चाइल्डिंग ही नोज ही डिजर्व्स जो कारी था अब डिग्निटी मीन्स क्या होता है मान प्रतिष्ठा है ना तो सीधे स्वभाव में शांत स्वभाव से क्या किया उसने कारी ने एक्सेप्ट किया अपने चाइल्डिश बिहेवियर को और जो वो डिजर्व करता भी था जो उसने गलत काम किया भी था उसके लिए जो डांट पड़ी थी एंड ही डिजर्व ही नोज ही डिजर्व दैट सो मूविंग अड कारी वॉज लाइक अ बेबी कारी जो था एक बच्चे की तरह था ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम वन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर एवर क्या कह रहा है कि कारी जो था वो एक बच्चे की तरह था ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड उसे क्या करने की जरूरत थी ट्रेन करने की जरूरत था अच्छा बनाने के लिए एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम वन ही वॉज नोट ही अगर आप उसको नहीं बताते हो कि वो नॉट ही है या नोटी था तो ही वॉज अप टू मोर मिसचिव देन एवर तो वो क्यों हो जाता है अगर जब वो शरारत कर रहा होता है तो हमें उसी वक्त उसे डांटना होता है वरना वो क्या करता है और शैतानियाँ करता है है ना मिस्चीफ में नुकसान करता है और ज्यादा अगर जब वो कुछ नुकसान कर भी रहा हो तो हम उसे ना डांटे तो वो और नुकसान करने की कोशिश करता है फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए वन डे somebody gave हिम सम bananas टू ईट एक दिन क्या हुआ किसी ने उसको बनाना खाने के लिए दे दिया केले खाने के लिए लिए वेरी सुन ही डिवेलप्ड लव फॉर राइप बनानास और बहुत ही जल्द उसे क्या पसंद आने लगे पके हुए बनाना के प्रति उसका प्यार बढ़ गया वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम और हम लोग की क्या आदत थी कि डाइनिंग जो डाइनिंग रूम था वहाँ पर जो टेबल था हम उसमें क्या रखते थे एक लार्ज प्लेट रखा करते थे फ्रूट्स की ठीक है वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर एक दिन क्या हुआ सारे बनाना जो रखे हुए थे टेबल पर वो गायब हो गए एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस और मेरी फैमिली ने क्या किया माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स मेरी फैमिली ने नौकरों को ब्लेम किया सारे फ्रूट्स खाने के लिए घर में जो फ्रूट्स रखे हुए थे उन्होंने क्या किया नौकरों को ब्लेम किया फ्रूट्स खाने के लिए अ फ्यू डेज फिर क्या हुआ अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिस अगेन कुछ दिनों बाद फिर से फ्रूट्स क्या हुए गायब हो गए दिस टाइम द ब्लेम वॉज ऑन मी और इस बार जो था ब्लेम किसको किया गया मुझे गलत ठहराया गया मुझ पे आरोप लगाया गया एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट और मुझे तो पता था कि ये मैंने नहीं किया है इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट और मुझे क्या हुआ मुझे तो पता था कि ये मैंने नहीं किया है और इस वजह से क्या हुआ मुझे मेरे पेरेंट्स पर और हमारे सर्वेंट्स पर बहुत गुस्सा आया और मुझे श्योर था कि ये सब किसने किया है ये सारे फ्रूट्स किसने खाए हैं सर्वेंट्स ने खाए हैं द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन फिर से फ्रूट गायब हुए एंड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज़ पवेलियन मैंने क्या देखा जो बनानास थे वो सारे क्या कुचले हुए हैं कहाँ पर गिरे हुए हैं और कारी के घर पर कारी का जो पवेलियन है जो तब, तब अस्तबल टाइप का जो बनाया हुआ है उसका रहने के लिए उसमें क्या है सारे बनानास स्मैश हुए गिरे हुए हैं दिस सरप्राइज भी वेरी मच और ये सब देखकर मैं थोड़ा सा अचंबित हो गया सरप्राइज हो गया फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि मैंने कभी वहाँ फ्रूट देखे ही नहीं थे और आप तो जानते ही हो कारी जो था वो क्या खाया करता था ट्विग्स वृक्ष की डालियाँ खाया करता था टहनियाँ खाया करता था नेक्स्ट डे वाइल्ड आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम wondering whether i should take some fruit from the table without my parents permission a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with my with all the bananas क्या हुआ अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था सोच रहा था कि क्या मुझे सारे जो फ्रूट्स हैं कुछ फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल अगर मैं बिना पेरेंट्स के परमिशन के उठा लूं, मैं ये सोच ही रहा था इतना मैं क्या हुआ अचानक से अंदर क्या एक लंबी सी काली सी चीज़ आई जो किस तरह दिखाई दे रही थी सांप की तरह दिखाई दे रही थी सडनली आई केम सडनली केम थ्रू द विंडो जो कहाँ से आई एकदम से खिड़की से आई और एकदम गायब हो गए विद ऑल द बनानास बनानास के साथ वो जो ब्लैक सी चीज़ थी लंबी सी चीज़ थी स्नेक की तरह दिखने वाली वो एकदम से बनाना के साथ गायब हो गई आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड मैं बहुत डर गया था बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानस क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं था कभी सांप को केला खाते हुए एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नैक इन एंड टेक फ्रूट मैं क्या था कि मैं सोचने लगा कि इट मस्ट बी टेरिबल खतरनाक सांप हो सकता है कोई ये जिसने क्या किया एकदम से अंदर आया और सारे फ्रूट्स ले गया आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम मैं क्या हुआ फटाफट हूँ हु। रेंगते हुए बाहर को निकला एंड विद ग्रेट फियर मेरे अंदर एक डर तो था ही दिल में एंड रैन आउट ऑफ द हाउस और बाहर निकला घर से फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस और ये महसूस कर रहा था ये सोच रहा था कि पक्का दोबारा घर में आएगा और और क्या क्या करेगा? करेगा वो सारे फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार देगा. As I went out, as I went out, जब मैं बाहर गया आई सो द पवेलियन एंड आई वॉज सो दैट आई वॉन्टेड कंपनी टू चेयर मी अप जब मैं बाहर निकला तो मैंने क्या देखा बाहर निकलते वक्त हुए मैंने क्या देखा कारी की बैक साइड देखी जो उस तरफ को गायब होती जा रही थी और मैं इतना डर चुका था एंड आई वाज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी मैं तो डरा हुआ था मैं तो ये चाह रहा था कि वो मेरे साथ चले मुझे चेयर अप करे सांप को पकड़ने में आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन में क्या हुआ मैं पीछे पीछे गया किसके पीछे एलिफेंट के पीछे कारी के पीछे पीछे उसके पवेलियन में गया एंड आई फाउंड हिम दे आर ईटिंग बनानाज और मैंने क्या पाया वो वहाँ बैठा हुआ केले खा रहा है आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट मैं हैरान होकर उसे वहाँ देखता रहा खड़े होकर द बनानाज व लाइंग स्ट्री ऑल अराउंड हिम और जो बनाना थे वो चारों तरफ बिखरे हुए थे उसके ही स्ट्रेस्ड आउट हिज ट्रंक उसने अपनी ट्रंक बाहर को निकाली एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग कुछ दूरी पर जो बनाना गिरा हुआ था उसके कारी के उसने अपनी ट्रंक निकाली और उसको खींच कर बनाना को खा लिया दैट इंस्टेंट और उसी पल द ट्रंक लुकड लाइक अ ब्लैक स्नेक और इसी पल क्या हुआ मुझे उसकी जो सूंड थी वो एक काले सांप की तरह दिखाई दे रही थी एंड आई रियलाइज्ड दैट कारी वॉज द थीफ और तभी मुझे महसूस हुआ मुझे एहसास हुआ कि वो चोर कारी ही है आई वेंट टू हिम मैं उसके पास गया पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर उसके कान खींच कर लाया एंड जॉयसली आनंद पूर्वक जॉयस मीन्स आनंद पूर्वक शोड माई पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज कार एंड नॉट आए मैं नहीं था जिसने सारे फ्रूट्स खाए हैं इस हफ्ते इन दीज मैनी वीक्स इन हफ्तों भर में दैन आई एस कोल्डे मैन उसे डाटा फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन क्या होता है इस लाइन का क्या मतलब है फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज children, हाथी बच्चों के साथ शब्दों को भी समझते हैं जो एलिफेंट्स होते हैं वो बच्चों को भी समझते हैं और शब्दों को भी समझते हैं तो मैंने भी उसे समझाया और मैंने उसे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड अगर मैंने अगली बार पाया कि तुम फ्रूट चुरा रहे हो तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम उसे पता चल चुका था कि हम सब उससे नाराज हैं इवन द सर्वेंट्स सर्वेंट्स भी सो इंजर्ड so उसका जो गौरव था वो उसको ठेस पहुंची। इंजर्ड हो गया वो इंजर्ड मीन्स चोट लगने से नहीं है मीन्स अंदरूनी घाव जैसे बोलते हैं दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग जब उसे डांट पड़ी तो उसके अंदर जब जैसे आप लोग कुछ मिस्टेक करते हो तो अगर आपको डांट दिया जाए तो कई बार आपके मन में आता है कि मैं दोबारा ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा तो ऐसे कारी के मन में आया कि वह दोबारा से ये डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराएगा ना लेगा एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनी बडी गेव हिम एनी फ्रूट और जब उस दिन से कोई भी उसे फ्रूट खाने के लिए देता ही ऑलवेज स्कूल्ड एज इफ़ टू थैंक देम ऐसा करता ऐसे बिहेव करता जैसे कि वो हमें धन्यवाद कर रहा हो जब हम उसे फ्रूट्स दे रहे होते हैं एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन यूर ओन क्विंग वट डज इट मीन कि जो एलिफेंट्स होते हैं जब वो गलती करते हैं तो वो अपने पनिशमेंट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो पनिशमेंट के लिए कभी मना नहीं करते लेकिन कोई उन्हें गलती से बिना कारण के पनिशमेंट दे दे तो वो किसी से भी जो भी उन्हें पनिशमेंट करता है वो उस व्यक्ति से क्या सूत समेत क्या करते हैं अपना बदला लेते हैं नेक्स्ट पार्ट कारी इज फास्ट लर्नर कारी जो था वो एकदम सीख लेता था चीज़ें ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज डॉट हमने उसे जो भी चीज़ें सिखाई सिग्नल्स साउंड उस तो उसने क्या किया उन सब में उसने मास्टरी पाली और वो एकदम मास्टर बन चुका था उन सब वर्ड्स में

एलिफेंट्स को ये सब चीज़ें तो सिखा ही देनी चाहिए कब बैठना है कब चलना है कब भागना है कब जल्दी चलना है कब धीरे चलना है यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड आप उन्हें ऐसे सिखा सकते हैं जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन अगर आप उससे धत कहो और उसके कान को खींचो तो वो जल्दी जल्दी क्या करेगा धीरे धीरे से बैठना सीख जाएगा सिमिलरली और इसी प्रकार इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड अगर आप उसको माली बोलो और उसकी सूंड खींचो आगे को तो वो धीरे धीरे क्या सीख जाएगा वो से ये सिग्नल दिया जा रहा है कि आगे को चलो कारी लर्न माली आफ्टर थ्री लेसन काली ने क्या सीखा माली सीखा तीन लेसन सिखाने के बाद बट इट टुक हिम थ्री वीक्स टू लर्न ध ारी को धत वर्ड सीखने में समझने में तीन हफ्ते लग गए ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन वो बैठने में इतना अच्छा नहीं था धत् वर्ड सीखने में उसे इतना टाइम लग गया तो वो बैठने के लिए इतना अच्छा नहीं था एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन और आपको पता है आपको पता होना चाहिए डू यू नो आप जानते हो कि एलिफेंट्स को बैठना क्यों सिखाना चाहिए बिकॉज ही ग्रोज टॉलर क्योंकि वो क्या हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं टॉलर एंड टॉलर देन यू आपसे भी बड़े हो जाते हैं हु टेक केयर ऑफ हिम जो उनका ध्यान रख रहा था सो दैट व्हेन ही इज टू और थ्री इयर्स ओल्ड यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेटर जब वो दो या तीन साल के हो जाते हैं ना तभी वो बहुत बड़े हो जाते हैं कि आपको उनके ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है इट इज़ इसलिए देयरफॉर better to टीच हिम to sit डाउन by saying धत्त सो so that you कैन climb अपॉन हिज back फॉर who वुड want यू to कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम इसलिए कहा जाता है कि उनको धत सिखा ही देना चाहिए ताकि जब हमें मनु की पीठ पर चढ़ना हो तो हम इजिली चढ़ सकें क्योंकि हर कोई हर जगह लेडर तो ले नहीं चल सकता एलिफेंट के साथ कि जब भी हमें उसकी पीठ पर चढ़ना हो तो हम लेडर निकालें ले और चढ़ जाएँ क्योंकि हम हर जगह लेडर सीढ़ी को नहीं लेके जा सकते हर समय द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलीफेंट इज द मास्टर कॉल सबसे मुश्किल चीज़ क्या है एलीफेंट को सिखाना एक मास्टर कॉल ही जनरली टेक्स फाइव फाइव ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली जनरली क्या होता है धीरे धीरे वो पाँच साल लग जाते हैं एक एलिफेंट को कुछ भी सीखने में अच्छे तरीके से द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग मास्टर कॉल जो है एक ताली बजा कर मतलब ताली बजाते हुए सिखाने वाली चीज़ है हॉलिंग गरजने की आवाज़ एज इफ अ स्नैक एंडगर वर फाइटिंग मतलब जब जैसे एक एलिफेंट और सॉरी एक स्नैक और टाइगर लड़ रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है एक उस तरह की नॉइज निकालनी होती है उनके कान में क्योंकि जब आप टाइगर और स्नेक को देखते हैं लड़ते हैं तो स्नेक कैसी आवाज निकालता है हिसिंग की और टाइगर होंग की आवाज़ निकालता है तो ऐसे ही ये स्ट्रेंज आवाजें हैं जो एलिफेंट को सिखानी होती है एंड डू यू नो वाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वैन यू गिव हिम द मास्टर कॉल एंड आप डू यू नो आप जानते हैं वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब एक एलिफेंट को आप मास्टर कॉल दो तो क्या हो इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल अगर आप जंगल में खो जाओ एंड देर इज़ नो वे आउट और कोई रास्ता ही ना हो बाहर निकलने का एंड एवरी थिंग इज़ ब्लैक सब कुछ अंधेरा है काला है वहाँ पर एक्सेप्ट द स्टार्स अब सिर्फ आसमान में जो स्टार्स हैं वही चमक रहे हों यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप वहाँ लंबे समय तक रुक जाओ द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी करने के लिए आपके पास एक मास्टर कॉल देने की जरूरत होगी एंड एट वानस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री और तभी जब आप उसको मास्टर कॉल दोगे तो तुरंत ही क्या करेगा पेड़ को गिरा देगा इन फ्रंट ऑफ हिम जो भी उसके सामने पेड़ होगा अपनी ट्रंक से अपनी सूंड से एंड दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे और इस जब ये पेड़ गिरेगा इससे क्या होगा सारे जो आसपास के जानवर होंगे हो वो डर जाएंगे एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन जब पेड़ नीचे गिरने को टूटने को होगा तो जो मंकीज़ होंगे वो उठ जाएंगे अपनी नींद से एंड क्या करेंगे वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर पहुंचेंगे है ना यू कैन सी दैम इन द मून लाइट आप क्या कर सकते हैं इनको चांदनी रात में भी देख सकते हो एंड यू कैन ऑलमोस्ट द स्टैग्स आप स्टैग्स मीनस क्या है यहाँ पर होते हैं ना आपके बारह सिंगा है ना तो इससे क्या होगा यू कैन ऑलमोस्ट द स्टैग्स जो होंगे वो सारी जगह में दौड़ेंगे इधर से उधर यू कैन हीयर द्रोल ऑफ द टाइगर जब पेड़ गिरेगा तो आप टाइगर की आवाज़ भी सुनेंगे जो कहीं आसपास दूरी पर होगा इवन ही इज फ्राइटन वो भी डर जाएगा पेड़ गिरने से दैन द एलीफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इससे क्या होगा जब आसपास के जानवर हिलेंगे चिल्लाएंगे इधर से उधर कूदेंगे तो इससे क्या होगा एलिफेंट एक के बाद एक पेड़ गिरता चला जाएगा एंड जो भी आसपास डरावनी चीज़ें होंगी आपको नुकसान पहुंचाने वाली वो दूर भाग जाएंगे एंड सोन यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड और जल्दी आप क्या पाएंगे कि वो आपके लिए एक रास्ता बना देगा जंगल में से जो सीधे आपके घर तक पहुँचेगा ओके सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम कारी द एलिफेंट आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेरी वेल थैंक यू